ये रोमन अन्यो काश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी के काफी टाइम से वारंग द पॉइंट वॉरियर जैसे सुपरहिट शो की डिमांड आ रही थी, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो स्टोरी शुरू होती है इस डॉगबर्ड नाम के लड़के से, जो इस शो में लीड रोल प्ले कर रहा है। वेल, इसका नाम डॉगबर्ड इसलिए है क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे बचपन में ही छोड़ दिया था, तो अब इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए सब इसको डॉगबर्ड कहकर इसका मजाक बनाते हैं। साथ ही इसे कभी भी कहीं भी बेहोश होने की अजीब सी बीमारी है। वैसे आप इसे अनाथ मत समझिए क्योंकि ये अपने एडॉप्टिव फादर के साथ रहता है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कुछ लड़के इससे झगड़ा करने आते हैं, लेकिन वो इनसे झगड़ा करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये लड़के उससे झगड़ा करने के लिए उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो ये सोचकर एक डाइस हवा में फेंकता है कि आखिर इन लड़कों के साथ करना क्या है, कि अचानक वो बेहोश हो जाता है। तो उसका बेस्ट फ्रेंड मैक मून उसे बचाने आता है, लेकिन वो लड़के उसे ही पीट देते हैं कि उसी टाइम डॉगबर्ड को होश आ जाता है। ये देखकर वो लड़के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब उन्हें डॉगबर्ड से कोई नहीं बचा सकता। तो ये लड़के भागते भागते एक पुल को क्रॉस कर देते हैं और डॉगबर्ड उनके पास पहुँच पाता उससे पहले ही वो उस पुल को गिरा देते हैं और वापस उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अब हमारा हीरो अपनी माँ के बारे में कुछ भी कैसे सुन सकता है, तो वो एक बार में ही ऐसी छलांग लगाता है कि इस पार से उस पार पहुंच जाता है। तो वो लड़के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और ये दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो पता चलता है कि मैकमून बचपन में अपनी फैमिली से बिछड़ गया था और अब उसके पास निशानी के तौर पर सिर्फ एक लॉकेट है, और अब तक वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। और वो ये पता लगा चुका है कि उसकी फैमिली राज्य के अंदर रहती है और वो राज्य के बाहर रहता है, यानी राज्य के अंदर हाई क्लास लोग जो राज्य से जुड़े हुए हैं वही रहते हैं और गरीब लोग राज्य के बाहर रहते हैं। तो अब वो दोनों राज्य के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं, जो इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर पकड़े गए तो जान भी जा सकती है। तो डॉगबर्ड कहता है कि हम आज रात ही जाएंगे, जिस पर मैकमून कहता है कि ये काफी रिस्की रहेगा, जिस पर डॉगबर्ड कहता है कि हमारे पास खोने को तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो चलो क्यों ना तुम्हारी फैमिली को ढूंढते हुए ही मरे। जिसके बाद ये दोनों डॉगबर्ड के घर जाते हैं, जहाँ उसके एडॉप्टिव फादर उसे मारना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि वो दिल के बुरे नहीं है, बस डॉगबर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। और डॉगबर्ड भी उनसे डरने का नाटक करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके फादर उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वेल, स्टोरी आगे बढ़ती है और अब शिला राज दिखाया जाता है, जहाँ एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें रानी जीसू को दिखाया जाता है, जो कि राजा के मरने के बाद किसी तरह राजकुमार की जान बचाना चाहती हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानती हैं कि अब राजा के बाद राजकुमार को मारकर उनके राज्य को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी पाहो को राजकुमार की जान बचाने की जिम्मेदारी देती हैं, और पाहो भी राजकुमार को राज्य से दूर ले जाता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें जनरल किम दिखाए जाते हैं, जो कि एक टाइम पर राजा के दोस्त और सेनापति थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इन्हें राजा ने जेल में डाल दिया था, जो कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यानी जनरल किम भी एक भरोसेमंद सेनापति थे और हमेशा राज्य का अच्छा ही सोचते और करते थे। तो आज यहाँ रानी का सबसे खास आदमी आछू आता है और कहता है कि रानी तुमसे मिलने आ रही है, जहाँ रानी और जनरल की बातों से पता चलता है कि जनरल रानी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने राजकुमार को राज्य से दूर भेज दिया था, और अब जनरल को लगता है कि राजकुमार राज्य के बाहर सेफ नहीं है। तो आज रानी जनरल से इसी बारे में बात करने आती है, क्योंकि अब राजकुमार बड़े हो गए हैं और जल्दी ही उनका राज्याभिषेक करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें डर है कि राज्याभिषेक से पहले राजकुमार को कोई नुकसान ना पहुंचे,
इसलिए वो जनरल से उसकी मदद करने को कहती हैं और जनरल को ऑफर देती हैं कि वो राजकुमार के लिए एक नई भरोसेमंद टीम तैयार करे जो ताकतवर भी हो और इंटेलिजेंट भी हो, जिस पर जनरल तैयार हो जाते हैं क्योंकि इस बहाने वो राज्य को फिर से ताकत पर बना सकते हैं, जो कि उनका काम था। स्टोरी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि राजकुमार किम साम बिना रानी को बताए राज्य में आ जाते हैं, जहां आंशु राजकुमार का वेलकम करता है कि उसी टाइम एक सैनिक राजकुमार का सच सुन लेता है तो आंशु उसे मार देता है। यानी अभी जिसे भी राजकुमार का सच पता चलता है आंशु उन सबको मार देता है। इधर डॉगबर्ट राज्य के अंदर आता है तो देखता है कि कुछ कटी गर्दनें टंगी हुई हैं। ये वो सर थे जिन लोगों ने राज्य के अंदर चोरी से आने की कोशिश की थी। डॉगबर्ट के बाद मैकमून भी आता है जो उन सर को देखकर डर जाता है, जिसे डॉगबर्ट शांत करता है और चोरी करके कपड़े बदल लेते हैं और राज्य के माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं। इधर एक आरू नाम की लड़की दिखाई जाती है जो लोगों को स्टोरी सुनाकर एंटरटेन करती है, जिसे सारे लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं, जिसमें राजकुमार किम साम भी होते हैं जो इस लड़की की कहानी से बोर होकर वहीं सो जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद पाहो आता है और राजकुमार से कहता है कि वो लड़की तो चली गई, जिस पर राजकुमार कहता है कि उस लड़की का पता लगाओ। वेल, राजकुमार ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि राजकुमार को नींद ना आने की परेशानी थी और उस लड़की की कहानी सुनकर उसे नींद आ जाती है। इधर डॉगबर्ड और मैकमून एक जुआ खेलने वाली जगह पर जाते हैं, जहां मैकमून अपना लॉकेट दिखाकर अपनी फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जिसे वहां का सबसे बड़ा गैम्बलर देख लेता है और डॉगबर्ड उस गैम्बलर को चीटिंग करते हुए देख लेता है। तो ये गैम्बलर जिस आदमी के साथ खेल रहा होता है उससे कहता है कि तुम हार गए हो इसलिए मैं तुम्हारी लड़की की गर्दन काट दूंगा, जिस पर डॉगबर्ड कहता है कि अब वो इस आदमी की जगह पर खेलेगा, जिस पर शर्त लगती है कि अगर ये गैम्बलर हारा तो वो आज के सारे पैसे देगा और अगर डॉगबर्ड हारा तो वो अपनी गर्दन देगा, जिस पर डॉगबर्ड कहता है कि नहीं, गर्दन के बदले गर्दन का खेल होगा। और गेम शुरू होता है तो जैसे ही गैम्बलर हारने वाला होता है तो वो डॉगबर्ड से उसका नाम पूछता है, जिस पर डॉगबर्ड अपना नाम बताता है तो ये गैम्बलर उसे पहचान लेता है क्योंकि डॉगबर्ड अपने कारनामों की वजह से काफी पॉपुलर होता है। तो जैसे ही गैम्बलर सिपाहियों को ये बात बताने वाला होता है कि जब तक डॉगबर्ड और मैकमून वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ डॉगबर्ड मैकमून से अलग अलग भागने को कहता है जिससे वो उन्हें पकड़ ना पाए, साथ ही वो मैकमून से महल के पास मिलने को कहता है। इधर वो गैम्बलर उन्हें ढूंढता है लेकिन वो बचकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसके ओनर का नाम जूकी होता है, जहां जनरल किम जूकी से अपनी आइडेंटिटी बदलकर मिलने आते हैं, जहां जनरल जूकी से उनके लिए कुछ टैलेंटेड लड़के ढूंढकर लाने को कहते हैं, जो कि जूकी को ये आइडिया काफी अजीब लगता है इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जनरल उसे मना ही लेते हैं। इधर आरू अपने काम के पैसे मांगने जाती है, जिस पर उसका मालिक उसे चिल्लर पकड़ा देता है और उसे हाफ ब्रीड होने का ताना मारता है, जिसकी वजह से आरू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ रखी शराब पी जाती है। हालांकि उसका मालिक उसे ऐसा करने से रोकता है लेकिन वो उससे कहती है कि वो ऐसे ही अपने पैसे वसूल करेगी, जिसके बाद आरू शराब के नशे में इधर उधर घूमना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है कि उसी टाइम डॉगबर्ड आकर उसे संभाल लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसका जूता गिर जाता है, लेकिन आरू चल तो पा नहीं रही होती इसलिए वो डॉगबर्ड से उसका जूता लाकर देने को कहती है, लेकिन डॉगबर्ड के पीछे तो गैम्बलर के आदमी लगे हैं इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरू को नशे में देखकर वो उसकी मदद कर देता है, लेकिन नशे में आरू डॉगबर्ड से कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो। ये सुनकर डॉगबर्ड नर्वस हो जाता है और वो उसे वहीं गिराकर चला जाता है और उसका जूता उसके पास फेंक देता है, जो कि गलती से आरू के सर पर लग जाता है। तो आरू को लगता है कि डॉगबर्ड ने ऐसा
जानबूझकर किया है, जिसके बाद आरू भटकते भटकते अपने घर पहुंची जाती है, जहां उसके पिताजी आंजी उसे संभाल लेते हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं और कभी कभी गरीब लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। यहां दिखाया जाता है कि आंजी एक ट्रू बोन यानी हाई क्लास के हैं, लेकिन उन्होंने एक गरीब लड़की से शादी की थी, इसलिए अब वो एक हाफोन बन गए हैं। साथ ही यहाँ ये भी पता चलता है कि आंजी का बेटा काफी टाइम पहले खो गया था, जिसे वो आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उन्हें मिला नहीं है। इधर राजकुमार रानी की परमिशन से नहीं आए होते, इसलिए रानी राजकुमार पर नाराज होती हैं, जहाँ इन दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों का रिलेशन काफी खराब है, यानी रानी और राजकुमार की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जिसका रीजन है कि राजकुमार इस बात से नाराज हैं कि उनकी खुद की माँ ने अपने ही बेटे को खुद से दूर कर दिया। वहीं नेक्स्ट सीन में पाक यंगशिल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा ऑफिसर है और सबसे ज्यादा लालची भी, और राज्य पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए जल्द से जल्द राजकुमार को ढूंढ कर मारना चाहता है, और आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है। तो अब उसे पता चल चुका है कि राजकुमार रात को छुपकर आते हैं, और इस बात का पता लगाने के लिए वो आदमियों को लगा देता है, और अब उसे ये बात पता चल चुकी है कि राजकुमार राज्य के अंदर ही है, इसलिए अपने एक आदमी के साथ राजकुमार को मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन राजकुमार राजमहल के बाहर बने एक गेस्ट हाउस में रहने लगते हैं, जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके। साथ ही राजकुमार के हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाया जाता है, जो कि एक शाही निशानी है, या कहें कि राजा होने की आइडेंटिटी है। इधर जैसा कि मैकमून और डॉग बर्ड ने राजमहल के बाहर मिलने की बात कही थी, इसलिए मैकमून वहीं डॉग बर्ड का इंतजार कर रहा होता है कि उसी टाइम एक आदमी छुपकर उस गेस्ट हाउस में जाने लगता है, जिसे देखकर मैकमून समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। इधर राजकुमार को भी किसी के गेस्ट हाउस में एंट्री करने की बात पता चल जाती है, तो वो पहले से ही काफी अलर्ट रहता है। वहीं ये आदमी राजा को मारने आया होता है, लेकिन राजा उसे कंट्रोल कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा और उसे मारने के बदले क्या इनाम दिया जाएगा, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसे 3 बोरी अनाज देने का वादा किया गया है। कि उसी टाइम आंचू वहाँ आ जाता है और उस आदमी को मार देता है, जिसका राजा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उस आदमी को कुछ भी नहीं पता था। साथ ही यहाँ पता चलता है कि राजा को इस बात का काफी दुख है कि जिसने उसका फेस देखा उस हर एक आदमी को मार दिया गया। कि बात करते करते राजकुमार घर के बाहर आता है, जहाँ उसे मैकमून खड़ा दिख जाता है, जो कि पूरी तरह शॉक्ड होता है, इसलिए अब आंचू उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही वो वहाँ से भाग जाता है, और अब आंचू मैकमून को पकड़ पाता उससे पहले ही डॉग बर्ड आकर उसे बचा लेता है, जहाँ मैकमून डॉग बर्ड को सब सच बता देता है, लेकिन डॉग बर्ड उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि आज तक किसी ने राजा को नहीं देखा था। लेकिन अब मैकमून की जान को खतरा है, इसलिए डॉगबर्ड उससे कहता है कि अब तुम दिन की रोशनी में बाहर मत जाना और ये लॉकेट मुझे दो, मैं जाकर तुम्हारी फैमिली को ढूंढता हूँ। और अगले दिन वो फिर से मैकमून की फैमिली को ढूंढने जाता है, जहाँ वो उस जगह पहुँचता है जहाँ उसे आरू मिली थी, जिसके बारे में सोचकर वो खुश हो रहा होता है। इसके बाद उस लॉकेट को लेकर वो जूकी के पास जाता है, जहाँ जूकी उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके फेस से समझा जा सकता है कि वो इस लॉकेट को पहचानता है। इधर मैकमून रात को बाहर निकलता है, जहाँ उसे आरू नजर आती है, जिसके गले में वैसा ही लॉकेट होता है जैसा कि उसके पास है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हो ना हो ये उसकी बहन है, और वो आरू से इस बारे में बात कर पाता उससे पहले ही आरू क्लब के अंदर चली जाती है, जहाँ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है बानरियो, और बानरियो के आते ही सारी लड़कियां उसे देखने लगती हैं, यानी यहाँ पता चलता है कि बानरियो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। इसी बीच एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है सुहो, और सुहो के आते ही बाकी लड़कियां उसे देखने लगती हैं, यानी यहाँ 2 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें एक ग्रुप की लड़कियां बानरियो को पसंद करती हैं
और दूसरे ग्रुप की लड़कियां सुहो को पसंद करती हैं। वहीं ये दोनों हीरो खुद आपस में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इधर आरु यहाँ कहानियां सुनाने आती है और आज वो एक रोमांटिक कहानी सुना रही है, इसलिए वहाँ सिर्फ लड़कियां हैं। यानी ये कहानी लड़कों को सुनना अलाउड नहीं है। लेकिन उस रूम के पास वाले कमरे में राजा भी आरु की कहानी सुन रहा होता है और सुनते सुनते वहीं सो जाता है। इधर सुहो भी आरु की कहानियों का काफी शौकीन है, इसलिए वो भी अक्सर कान लगाकर आरु की कहानियां सुनता था और आज भी यही कर रहा होता है। वहीं बानरू अपने दोस्तों के साथ होता है, जहां उसका एक दोस्त जो उसके पिता के नीचे काम करता है, इसलिए बानरू उसे अक्सर ताना मारता है और आज भी यही कर रहा होता है और उससे कहता है कि हम साथ रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बराबरी के हो। यानी यहाँ हर कोई क्लास की बात करता है। वहीं मैकमून अंदर एंट्री करता है कि उसी टाइम वो बानरू के दोस्त से टकरा जाता है, जहाँ उसे देखकर बानरू का दोस्त समझ जाता है कि ये यहाँ का नहीं है। इसलिए वो मैकमून से उसकी आइडेंटिटी पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बता पाता, इसलिए कांगसांग मैकमून को परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से सब बाहर चले जाते हैं। कि उसी टाइम राजा आता है और उससे आगे कहानी सुनाने को कहता है, लेकिन आरु काफी डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे कदम रखने लगती है कि ऐसा करते हुए वो गिरने ही वाली होती है। कि उसी टाइम राजा उसे संभाल लेता है और फिर से स्टोरी आगे सुनाने को कहता है, जिस पर आरु हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसकी कहानी कोई लड़का भी सुन रहा था। इधर कांगसांग ने मैकमून को मार मार कर अधमरा कर दिया होता है। वहीं सुहो कहता है कि किसने इतना शोर मचा रखा है। सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई कांगसांग को नहीं रोकता। कि उसी टाइम एक डाइस आकर कांगसांग के सर पर लगता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो ने उसकी तरफ फेंका होता है, जिसे देखकर सुहो और बानरू हैरान हो जाते हैं कि ये कौन आ गया उनके एरिया में उनको ही डराने के लिए। तो डॉगबर्ड आगे बढ़ता है और तलवार से एक सर्कल बना देता है और कहता है कि अगर इसके अंदर किसी ने आने की कोशिश की तो वो अपने पैरों पर चलकर जाने लायक नहीं रहेगा। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो अब डॉगबर्ड मैकमून को कैसे बचाएगा, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।